अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी अरवी चिकन की रेसिपी कैसे बनाई जाती है। ये बहुत कम लोग बनाते हैं लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसे आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन इस्तेमाल किया है, 4 प्याज मैंने इस्तेमाल की हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 8 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, और इसमें मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसमें मैंने पाया तकरीबन 10 अरवी यूज़ किए हैं। इन्हें मैंने नमक लगा के रख दिया था ताकि इसकी ये जो लेस है ये ख़त्म हो जाए। मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। प्याज 5 मिनट में मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर लूँगी, 2 बड़े टमाटर, हरी मिर्च, 8 और लहसुन, और साथ ही मैं इसके अंदर ये वाला मसाला डाल दूँगी, नमक, और इसे मिक्स करके इसमें मैं ये 1 प्याली पानी के डाल दूँगी। अब मैंने इसका प्रेशर लगा दिया है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। प्रॉपर टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगी। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा था, 2 मिनट के बाद सीटी बोलने लगी। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और 10 मिनट का तकरीबन मैंने प्रेशर लगाया था और इसकी सीटी मैं उतार दूंगी। सीटी मैंने इसकी खोल दी थी, अब मैं इसका ढक्कन खोल दूंगी। ये देखें मसाला तैयार हो गया है। मसाला तैयार हो गया था, अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी जो मैंने पहले धो के रख दिया था। चिकन को भूनने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें भी डाल दूँगी जिसे मैंने पहले नमक लगा के रख दिया था। नमक लगाने से इसकी लेस ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट भी मज़े का बनता है। ये भून लिया मैंने अच्छी तरह। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी। अगर आप अपने हिसाब से कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप कम यूज़ कर लें पानी। मैंने इसमें 1 कटोरी पानी यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके इसका मैं प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और मैं इसकी सीटी उतार दूँगी। 5 मिनट के बाद प्रेशर खोलने के बाद, इसकी सीटी उतारने के बाद, ये देखें चिकन बनके तैयार हो चुका है और अरवी तकरीबन गल चुकी है। अब ये तैयार है नाज़रीन, मज़ेदार अरवी चिकन बनके तैयार है। मैंने इसे गार्निश करने के लिए इस पर बारीक हरा धनिया कुटा हुआ डाल दिया है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और तकरीबन मैंने आपको इसका आसान तरीका बताया है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ट्राई करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।